प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद पहुंचे। अभी अभी गांधीनगर में बीजेपी के ऑफिस कमलम से बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और यहां आपको बता दें कल सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानिप के निशान स्कूल में अपना वोट कास्ट करेंगे। आप देख रहे हैं अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ डिस्कस करते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी माँ हीराबा से भी मिलने पहुंचे, माँ का आशीर्वाद लिया और माँ के साथ चाय भी उन्होंने पी और फिर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग के लिए गए। मोदी के जीवन में माँ का कितना महत्व है, नरेंद्र मोदी को इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचाने में माँ हीराबा के संस्कारों का कितना बड़ा रोल है, माँ हीराबा और मोदी की कहानी समझने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मां के आत्मविश्वास और आशीर्वाद में नरेंद्र मोदी की पूरी शख्सियत को देखा जा सकता है। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। 2005 में जब मैं एक बार वडनगर गया था तो ऐसे ही भी वडनगर गया था, उस समय तो माता जी वडनगर में रहती थी तो उनको मिलने के लिए गया तो वहां चाय वाय पी, बाद में उनसे बैठा था। जब मैं जाने के लिए निकला तब ऐसे ही नरेंद्र भाई का विषय निकला तो मैंने उनको पूछा कि क्या नरेंद्र भाई तो अभी मुख्यमंत्री है, आप उनका भविष्य क्या आपको लगता है? तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि मेरा बेटा नरेंद्र प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब कि ये उनके अंतर मन के जो आशीर्वाद हम बोलते हैं, उनके अंतर मन से निकली हुई आवाज जो बोलते हैं तो आज हमारे सामने है। इसमें ऐसा है, हम 5 भाई एक बहन सब साथ में पले बड़े हुए हैं और बस छोटे थे तो आपस में झगड़ा डंडा भी होता था, लेकिन नरेंद्र भाई का जो स्वभाव था ना वो बड़ा हंसी मजाक का था। कभी घर में किसी के साथ टंटा फिसाद किसी के साथ हो जाए ऐसा कभी कोई प्रसंग बनता नहीं था, और अगर कोई मनमुटाव किसी से हो भी गया तो इसी को कुछ ऐसी बातों में जुड़ जाते थे, सब हंसे पड़ते थे, बात खत्म हो जाती थी। और इसी तरह से नरेंद्र भाई के प्रति माता जी का प्रेम ज्यादा रहता था। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम नरेंद्र भाई करते हैं तो, और ये संयोग थे कि जिसकी वजह से माता जी के साथ उनका जुड़ाव ज्यादा है। उसका जो ब्रॉटअप हुआ है वो जो उसके माता जी के क्वालिटीज है वो उसमें निरूपण हुई है। जैसे कि कोई किसी को तकलीफ हो तो तकलीफ में मदद करना और कोई अच्छा काम कर रहा है तो एप्रिसिएट करना। उसके माताजी भी वो मेले में करते थे, बच्चों को इकट्ठा करके अच्छी बातें सुनाते थे। ये नरेंद्र मोदी भी उसी में बैठता था। जीवन का बहुत सौभाग्य होता है माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता। गरीबी की मार ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है, मैंने गरीबी की मार को झेला है, गरीब का दुख दर्द मैंने करीब से देखा है। मुझे गर्व है कि मैं गरीब मां का बेटा। मां को बच्चों का लालन पालन और बच्चों का मां की सुरक्षा, एक अजोड़ नाता जुड़ा हुआ है। उसके केंद्र बिंदु में मां का त्याग, मां की तपस्या, हर दिन शिवजी की तरह जहर पीते जाना और परिवार के भीतर अमृत बांटते जाना। और इसलिए माता का महात्म्य क्या होता है वो हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। मोदी का जीवन मां के संस्कार और सपनों की खोज है, वो हीराबा से अलग कुछ भी नहीं है।
मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहना, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। वो मुझे बार बार याद दिलाती है कि मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ से जब भी फोन पर बात होती है तो यही कहती है, देख भाई कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, गरीब के लिए काम करना। घर पर आए बताया कि ऐसी है कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो माता जी ने कहा कोई रिश्वत दे तो भी लेना नहीं, मांगने की बात नहीं है, कोई रिश्वत दे तो लेना भी नहीं, ध्यान रखना। माँ को भी कभी ऐसी लग्जरीज मुझे चाहिए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं। वो बहुत सामान्य सा, साधारण सा ऐसा जीवन जीने वाली माँ है। और नरेंद्र भाई आज उपवास करते हैं, जैसे दोनों नवरात्रि करते हैं, एकदम निर्जला जैसे उपवास करते हैं, तो ऐसे संस्कार है हमारे जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उनके प्रति जो संस्कार है, देश के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो सारे जो संस्कार है वो उनकी माता जी की तरफ से उनको मिला है। माँ के रूप को प्रणाम करें, प्रेरणा लें, पुरुषार्थ का संकल्प करें और माँ जिस भी रूप में हो उसका सम्मान, उसका आदर, उसकी रक्षा, उसका गौरवगान, ये हमारी न सिर्फ जिम्मेवारी हो लेकिन वो हमारा डीएनए होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के भाई, बहन, रिश्तेदार और माँ के बीच दूरियों की शिकायत की जाती है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो हीरा बा के दार्शनिक मन का साक्षात दर्शन करवाती है। आज जब लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती है कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है, वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है। परिवार का खुद का डिसीजन मत एक ही है कि हम लोगों ने नरेंद्र भी को कुछ दिया नहीं है, तो नरेंद्र का कुछ, नरेंद्र पर कोई डाग लगे, नरेंद्र की कोई बेइज्जती करे, ऐसा कोई हमारे ओर से नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करो जिसकी वजह से कोई नरेंद्र भी की तरफ उंगली उठाए, ये हमारा सामूहिक निर्णय है और उसका सभी लोग पालन करते हैं। अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में, मैं घर मन नहीं करता, माँ बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है, और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती है, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ, तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा मैं भी समय नहीं देता, जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो 125 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती ही देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती। माँ और मोदी दोनों एक दूसरे को, और इन दोनों को दूसरे लोग दैवीय तत्व से पूर्ण मानते हैं, लेकिन बालक नरेंद्र के मन में माँ के प्रति ममता का दृष्टिकोण
मां ने ही दिया। पब्लिक ने सेवा करवा माटे इनो कोई सवारत नथी, इने कोई लोच लेवी नथी, तालवी नथी। ये प्रेम थी सेवा करे छे अने आगनी कुर्सी ऊपर सेवा थशे। अन्यने बुद्धि दौड़ाई छे ने भगवान बधी शक्ति आपी छे, माटे ये कदी पाछो पड़वानो नथी अने इनु धारेलु सफर थवानु। जब उनकी माँ यहाँ जब कभी भी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आती थी तो वो पहले मंदिर के सीढ़ी पर बैठती थी। एक बार मैं वहाँ से आ रहा था, मैंने देखा कि माँ जी यहाँ बैठी हैं, तो मैंने बोला कि आप ऑफिस में बैठिए या ऊपर दर्शन करने चलिए। बोले मैं बाद में आती हूँ। फिर बाद में आकर के मंदिर के ऑफिस में बैठी और उन्होंने मुझे कहा, बेटा अपने किसी के घर जाते हैं तो क्या तुरंत उनके घर में घुस जाते हैं? हम लोग बेल बजाते हैं या वहाँ अंदर से कोई आता है तब हम किसी के घर जाते हैं। कहीं भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पहले उसकी सीढ़ी पर बैठो, उनकी आज्ञा होगी फिर अपने मंदिर में जो घंट होता है उसको बजाओ और फिर आप दर्शन करने के लिए जाओ। तो ये सब संस्कार जो है ना नरेंद्र भाई में आज एकदम बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहा है। मोदी जीवन भर घर से दूर रहे, लेकिन जितने दिन वो घर में रहे माँ ने उन्हें सिखा दिया कि जीवन में जो भी सोच विचार और कार्य में नवीनता का भ्रूण भर दे वो माँ ही है। हम माता जी पूछते हैं, बहुत बड़ा मकान है, आलीशान रहने का है, ऐसा है वैसा है, बताए तो माता जी खुश रहती है। फिर बोले मिले मैंने कहाँ देखा है, अब ले जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। ले गए, 2016 में गए थे, 3 दिन रहे वहां। नरेंद्र मोदी वैसे तो बहुत सख्त और सीमित व्यवहार के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनकी सोच व्यवहार और संस्कार में जो भावुकता है वो माँ है। माँ का नाम और स्थान उन्हें उनके मूल रूप में ले आता है। जीवन के सबसे अहम क्षणों में मोदी माँ और उसके स्वरूप को महसूस कीजिए। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या माँ की सेवा जिस कृपा हो सकती है? कतई नहीं। जैसे भारत मेरी माँ वैसे ही भाजपा भी मेरी माँ। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। अपने जीवन के सबसे कड़वे सच को सामाजिक रूप में स्वीकारने और बिना किसी जटिलता के पूरी सादगी के साथ उसे जीने का मर्म भी नरेंद्र भाई ने अपनी माँ से सीखा। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है, माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, पढ़ी लिखी नहीं है। अब जब हम छोटे थे गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ एक और खास बात करती हैं, जो साफ सफाई के काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती है। मुझे याद है वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। या SDRF लिखे हुए जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन महा
कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं। देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। नरेंद्र मोदी की नीतियों, राजनीति और जीवन दर्शन में माँ एक अटल चट्टान की तरह खड़ी है। वो उनके व्यक्तित्व का प्राण है और मेरुदंड भी। माँ जब 100 साल की हुई तो नरेंद्र भाई उनके पास गए और फिर जो चित्र देश के सामने आया उसने देश के करोड़ों बच्चों और माँ के बीच रिश्तों की संवेदना को नया जीवन दिया। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी, मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवाभाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दूसरों की इच्छा का सम्मान करने की भावना, दूसरों पर अपनी इच्छा न थोपने की भावना मैंने माँ में बचपन से ही देखी है। खास तौर पर मुझे लेकर वो बहुत ध्यान रखती थी कि वो मेरे और मेरे निर्णयों के बीच कभी दीवार न बने। उनसे मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। बचपन से वो मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति पनपते हुए देख रही थी। मैं अपने सभी भाई बहनों से अलग सा रहता था। तो ये है कि हमारी माता जी जो है वो छोटे बच्चों की आयुर्वेदिक दवाई करती थी। कोई माँ है उनको पेट में तकलीफ है ऐसा तैसा है तो आती थी, तो माँ उसको मालिश बलिश करके सब करके ठीक कर देती थी। घर से चाय पिला के फिर उसको बेचती थी। तो ये सब नरेंद्र मैंने देखा है। मुझे तो मेरा तो बचपन ही ऐसा गरीबी में बीता है। मुझे मालूम है हमारी माँ जब खाना पकाती थी तो इतना धुआं हो जाता था, तो कभी वो खुद छत पे जा करके जो मिट्टी के बने हुए छत रहती थी उसकी कुछ नलियां जो रहते थे उसको हटा देती थी और ऊपर एक छेद करती थी, खुद जाती थी ऊपर ताकि धुआं ऊपर चला जाए, ताकि बच्चों को परेशानी। और मैं देखता था कितनी परेशानी से गुजारा करना पड़ता था। नारी को सम्मान और पूरी परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान यह काम किया है ये उज्ज्वला योजना ने। नरेंद्र भाई बहुत कम समय माँ के पास रहे, लेकिन माँ के श्रम से भरे जीवन का दर्शन वो सीखते रहे। माँ की आध्यात्मिक कोख से वो कभी अलग नहीं हुए। विचार की नाल शाश्वत जुड़ी रही। मोदी कहीं भी रहें, माँ हमेशा साथ रहती हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर के हर तरफ अभाव। माँ को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जागाशे। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हालरडू।
माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। मोदी की माँ ने कभी उनसे कुछ नहीं लिया, मोदी को जब जो सही लगा उसके साथ खड़ी रही। घर छोड़ने से लेकर मोदी के उन प्रयोगों के साथ जो वो समय समय पर करते रहते थे। घर छोड़ के गए थे लेकिन घर को घर के साथ का कनेक्शन था, वो कनेक्शन कट गया था। बाकी घर के सभी लोगों के साथ बैठ के सभी लोगों की इजाजत लेके गए। माताजी ने तिलक करके भेजा था उसको। सुबह में खाने के लिए माताजी बाजरी का रोटला बनाती थी हाथ से, ये उनके लिए रखा जाता था सुबह के लिए। बड़ा रोटला, इतना बड़ा बना था। सुबह में दूध लिया, दूध में थोड़ी चाय की पत्ती डाल दी और एक रोटला और ये चाय की पत्ती वाली दूध ये ले लिया। फिर शाम को खाने का, दोपहर के खाने की चिंता नहीं, परवाह नहीं। घर में कभी स्वीट बना हुआ है, कोई मेहमान आए हैं तो कुछ भोजन व्यंजन बने हैं तो उसकी भी परवाह नहीं। लेकिन ये उनका आज जो है सादगीपूर्ण खाने का जो है वैसा ही उनका चलता था। सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी के साथ वो कम ही देखी गई, लेकिन जब आतंकियों की धमकी के बावजूद मोदी कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराकर लौटे तो वो अपने बेटे के नागरिक अभिनंदन में गई थी। जीवन में शायद एक बार उन्हें मोदी की माँ होने का फायदा मिला। चार धाम यात्रा में हम लोग साथ में गए थे, मैं, मेरी मिसिस, मेरे माताजी। मंदिर के परिसर में तो इतना ढेर बर्फ का था, मतलब यहाँ तो वो रह नहीं पाएंगे। तो जिसको पूछा कि भाई यहाँ रहना है, होटल मिलेगी, ये मिलेगी, तो कहीं से पॉजिटिव जवाब नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ तो कहीं आई नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर है, भाई साहब आए तो मैं उनको राम राम किया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं नरेंद्र भाई का बड़ा भाई हूँ, मेरी माँ और मेरी मिसिस दोनों पीछे कंडी में आ रही हैं, हम लोगों को आज रात यहाँ रुकना है और कहीं भी जगह मिलती नहीं है, इसलिए आप कुछ मदद कर पाओगे? तो उन्हें बोला हो जाएगा। भारत माता, गंगा माँ, पार्टी को माँ का दर्जा, महिलाओं के जीवन की मुश्किल को मिटाने वाली नीतियों, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान योजना, मजदूरों और सफाई कर्मियों का सम्मान, हर जगह मोदी के शरीर में उस माँ की आत्मा दिखती है जिसने भारत माता के लिए अपनी ममता से समझौता कर लिया। मोदी के शब्दों में, उनकी पूर्णता में माँ को समझिए। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों बेटियों के लिए असंभव हो। अभाव की हर कथा से ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है, संघर्ष के हर पल से ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।